यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि नानाओं से बड़ी खबर है, एससी एसटी एक्ट को प्रभावहीन बनाने में दलित संगठनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शव यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। एससी एसटी एक्ट में बदलावों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। नाराजगी जो है प्रदर्शन के माध्यम से दिखाई जा रही है और सरकार को इसी बीच चेतावनी भी दी गई है। जी हां, एससी एसटी दलित समुदाय की ओर से अगर सरकार ने एक्ट में बदलाव जो है वो नहीं किया, आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं किस तरह से पुतले जलाए जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है सड़कों पर। जो दलित समुदाय के लोग हैं वो उतर आए हैं। एससी एसटी एक्ट को प्रभावहीन बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं दलित समुदाय की तरफ से और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पुतले जलाए जा रहे हैं सरकार के और शव यात्रा निकाली गई, नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें शव यात्रा जो निकाली गई है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निकाली गई, जिसके बाद इस शव यात्रा में खूब हंगामा देखने को मिला। शव यात्रा के बाद इस पुतले को आग भी लगाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो दलित समुदाय से जो लोग आते हैं उन्होंने रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं भारत के, उनकी शव यात्रा निकाली, उसके बाद उनके पुतले को जला दिया। तो काफी रोष यहां देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने लठ उठाकर उस पुतले को खूब मारा, इस तरह से अपना रोष यहां जताया गया। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं नानाओं से हमारे संवाददाता अजय। अजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, एक्ट को प्रभावी बनाने के मामले लेकर दलितों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है, विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी का नजारा अभी कुछ देर पहले नारून में देखने को मिला, जहां पर सैकड़ों की संख्या में युवा नौजवान जो महिलाएं हैं वो सब इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इसके बाद जो भारत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शव यात्रा यहाँ पे निकाली गई और पुराने बस्तान से लेके कांडा मोड़ पर जाकर वो शव यात्रा निकाली गई और उसके बाद उनका रामनाथ कोविंद का पुतला फूंका गया। इस दौरान जितना जोश युवा में देखने को मिल रहा था उससे ज्यादा कहीं विरोध, कहीं आक्रोश महिलाओं में था, क्योंकि हर किसी का यही कहना था कि सरकार ने इस फैसले पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। और उन्होंने इशारों में साथ में ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर सरकार ने समय रहते एससी एसटी एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया तो अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के लोग और जोरदार आंदोलन करेंगे। और साथ में जो कल भारत बंद का आंदोलन पूरे देश भर में कर रखा है जी, पूरे भारत बंद को वो हर हाल में कामयाब बनाएंगे। जी जी अजय, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं तो क्या पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ नहीं किया गया, स्थानीय प्रशासन की ओर से कुछ नहीं किया गया, क्या ज्ञापन इन्होंने देने की कोशिश की? देखिए, अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद जरूर थे, लेकिन वो पुलिस प्रशासन के लोग सिर्फ मूक दर्शक बनके वहाँ पे उनके पहरेदारी में लगे हुए थे। पुलिस के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उनको रोकने की या उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। अगर हम उनकी बात करें तो दलितों की बात करें तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो आज हर हाल में उनका पुतला फूकी और उन्होंने आखिरकार पुतला फूका भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की इससे मुश्किलें बढ़नी लाजमी है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं और दलितों में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। जी बिल्कुल, दलितों में खासी नाराजगी यहाँ देखने को मिल रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय। तो अजय लोहान हमारे संवाददाता थे नारनौंद से, जिन्होंने बताया कि इस तरह से आज रोज जो है सड़कों पर देखने को मिला नारनौंद की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पुतला जलाया गया, उससे पहले शव यात्रा निकाली गई और नारेबाजी सरकार के खिलाफ की गई और साथ ही चेतावनी दी गई सरकार को कि अगर एससी एसटी एक्ट में सही जो बदलाव है वो नहीं किया गया तो ये जो प्रदर्शन है और उग्र हो सकता है।